असल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे आज का ये व्लॉक है ईद के सेकेंड डे का और इस वक्त सुबह के तकरीबा नाइन ओ क्लाक का टाइम है और यहाँ पर हमारा सिम्पल सा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है मैंने चिकन चीज़ टोस्ट बनाए हैं और साथ मैंने बना ली थी टी और बिस्किट्स वग़ैरह हमने ले लिए थे बहुत सिंपल सा हमारा ईद के दिन ब्रेकफास्ट होता है फर्स्ट डे पे सिर्फ टी वगैरह ही होती है मेरी और मेरे हस्बैंड की बच्चे सुबह के वक्त कुछ नहीं खाते एक ही बात एक ही बार वो खाना खाते हैं और सेकंड डे पे मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाया था क्योंकि आज बच्चों को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कुछ भी मीट चिकन कुछ भी ऐसा चीज़ लेने के लिए जैसे कल खाया था तो अभी बस ये करने के बाद मैं सेकंड डे की कुकिंग कर लूँगी और उसके बाद करूँगी दूसरे काम मेरे घर में बहुत ही सिंपल तरीके से ईद मनाई जाती है हम कहीं भी बाहर घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं मैं हमेशा अपने बच्चों की अपनी फैमिली की खुशी को सबसे पहले तरजीह देती हूँ उसके बाद मैं किसी और के बारे में सोचती हूँ मेरे बच्चों को जहाँ जाना अच्छा लगता है जैसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ और हमेशा मैं इस चीज़ को लेकर चलती हूँ और ये बहुत साल से मेरी रूटीन है और इसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ आज के खाने के लिए मैंने बच्चों से कहा था कि आज अगर आपने बाहर चलना है चलते हैं बाहर खाना खाते हैं लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि घर के अंदर कुछ वेजिटेरियन खाना है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर आलू की टिक्की और ये आलू टिक्की मैं विदाउट बेसन बनाऊँगी क्योंकि मेरे घर में जो रमज़ान के दिनों में पकौड़े बने थे उस वजह से बच्चे थोड़ा सा बेसन से उगता चुके हैं और अभी कुछ अरसे तक ये चलेगा इसलिए मैंने आज ये एग लगा के आलू टिक्की बनाई है और उसके साथ मैं बना लूँगी दही भले ये अचानक से ही मैंने दही भल्ले का सब कुछ रेडी कर लिया था वैसे अगर प्लानिंग होती तो मैं दाल के भले बनाती और बच्चे बहुत वो पसंद भी करते हैं लेकिन मैंने बेसन के आज बना लिए थोड़ी सी जल्दी में थी तो सोचा कि आज इसी से गुजारा कर लेते हैं और यहाँ पर जितना कुछ भी मैंने रेडी किया था ये सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही मैंने कर लिया था कटिंग चॉपिंग वगैरह और जो बेसन था उसे भी मैंने पहले से खोल कर रख दिया था और यहाँ पर अभी मैं भले वग़ैरह फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद चाट जो बनाई है उसे भी मिक्स करके जो बेसिक काम है सारे मैं रेडी कर लूँगी इसके बाद मैं शावर वगैरह लेकर रेडी होकर आ जाऊँगी क्योंकि जो ईद का पहला दिन था मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी और चांद रात को भी मेरे पास टाइम नहीं था तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए अलग से कौन ले आए थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि इस ईद पर आपने मेहंदी लगानी ही लगानी है तो मैंने सोचा मैं अभी बिल्कुल फ़्रेश होकर रेडी होकर आ चुकी हूँ तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी मेहंदी फिर हम करेंगे लंच मुझे बिल्कुल भी अच्छे से मेहंदी लगाना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चों के डिज़ाइन तो फिर भी अच्छे होते हैं लेकिन मेरी जो मेहंदी लगाना है वो बच्चों से भी बहुत गंदे तरीके से है तो यहाँ पर जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी मुझे मेहंदी लगाना आती थी मैंने लगा ली और तकरीबन फोटी से फिफ्टी मिनट्स तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने गार्डन में टाइम स्पेंड किया अपनी बहुत सारी बचपन की ईदें याद करते रहे और इस तरह से हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर जो मैं चीज़ें रेडी करके गई थी इन सबको को भी मैं मिक्स

दही पल्ले बनाने की सभी की रेसिपीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और मुझे जैसे बनाने आते हैं मैं वैसे बना लूँगी क्योंकि हर कोई अपनी रेसिपी इस्तेमाल करता है और हर किसी की रेसिपी अलग होती है तो यहाँ पर ये मैं चाट बना के पहले से रख गई थी और अभी इस सब को मैं मिक्स कर लूँगी और बच्चों को लंच सर्व करूँगी क्योंकि आज चावल वगैरह सब कुछ फ्रिज में था लेकिन बच्चों को बिल्कुल ना तो चावल खाने थे ना कबाब ना रोल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी थी सिर्फ दही पल्ले खाने थे और पानी ही पिए जा रहे थे क्योंकि हमारे जो घरों के खाने भी होते हैं उनमें भी स्पाइसीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा स्पाइसीज़ ज़्यादा तले हुए खाने ना बनाऊँ लेकिन फिर भी ईद का दिन है थोड़ा सा तो अपने ट्रेडिशनल फ़ूड बनाना बनता ही है और यहाँ पर जिस कंट्री में हम रहते हैं अगर हम बच्चों को अपने खाने की आदत नहीं डालेंगे तो इनको बिल्कुल भी खाना ये भूल ही जाएंगे और जो आने वाली जनरेशन होगी उनको मालूम भी नहीं होगा कि हमारे जो देसी खाने हैं वो क्या हैं क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर देखा था हमारे जो पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं उनकी भी रूटीन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है मैं यही कहूँगी चाहे मेरी इस बात का किसी को अच्छा लगे या बुरा मैंने पाकिस्तानी व्लागर्स को देखा है कि उनके बच्चे ज़्यादातर चाइनीज़ को तरजीह देते हैं बर्गर्स को पिज़्ज़ास को तो मेरे ख्याल में कोशिश कीजिए कि घरों के खाने खिलाइए क्योंकि ये जो फास्ट फूड है ये एक तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ऊपर से एक्सपेंसिव देखिए कितने हो गए हैं और जो हमारे बच्चों को आदत बनेगी इससे नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन हैं उनको हमारे खानों के बारे में मालूम भी नहीं होगा जैसे कि लैंग्वेज के बारे में भी अभी देखिए कि इतनी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी इस दुनिया में हैं ही नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ जो न्यू जनरेशन है वो पुरानी लैंग्वेज़ को लेकर नहीं चले हैं और चेंज होते होते आज यहाँ तक पहुँच गए तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये ज़ुबान अपनी बच्चों से बोलिए और ये भी कोशिश कीजिए कि अपने घरों के अपने जो आ, हमारे खाने हैं वो उनको ज़रूर आदत डालिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनको हमारे खानों के बारे में हमारे त्योहार के बारे में और हम लोग किस तरह से जीते थे इन चीज़ों के बारे में मालूम हो आती हूँ अपने ब्लॉग की तरफ तो यहाँ पर ये जो चटनियाँ हैं मैंने पहले से बना कर फ्रिज में हमेशा रखी ही होती हैं एक है पुदीने की चटनी दूसरी है इमली की चटनी जो खट्टी मीठी चटनी होती है दही बल्ले के लिए वो तो ये चटनियाँ मैं इस पर डालूँगी और फिर मैं सर्व करूँगी अपनी फैमिली को लेकिन चाट के साथ मैंने बनाई थी आलू टिक्की तो आलू टिक्की को भी मैं यहाँ पर माइक्रोवेव कर लूँगी और फिर मैं सर्व करूँगी मैं हमेशा अगर घर पर हूँ और अगर हमें ईद की छुट्टी हो तो सेकेंड डे ऑफ ईद मैं इस तरह का कुछ खाना बनाती हूँ जो कि खाने को भी दिल चाहे और नॉनवेज भी ना हो तो यहाँ पर साथ ही मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी क्योंकि सुबह के वक्त जब ब्रेकफास्ट किया था तो मैंने अपनी चाय नहीं बनाई थी मैं चाय बहुत कम पीती हूँ तो अगर सुबह के वक्त नहीं पी थी तो इस वक्त तकरीबन टू ओ से ऊपर हो गया था टाइम और मुझे बहुत तलब हो रही थी कॉफ़ी की तो कॉफ़ी बना ली चाय बनाई और फिर यहाँ पर ये यह मैंने खाना सर्व कर दिया फैमिली को सब ने इंजॉय किया और अभी हम थोड़ा सा टाइम टुगेदर स्पेंड करेंगे जब मैंने फैमिली को खाना सर्व किया था तो कुछ मेहमान आ गए थे तो फिर मैं खाना नहीं खा सकी थी तो मैं अपना खाना अभी यहाँ ही ले आई हूँ और साथ हम देख रहे थे टीवी कुछ प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे थे तो हमने सोचा कि सब मिलजुल कर साथ प्रोग्राम देखते हैं और साथ ही मैं अपना खाना इंजॉय कर लूँगी लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किए थे कुछ गिफ्ट्स जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए ईदी और गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी फैमिली ने मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने आ, मुझे गिफ्ट किया जब है। ये मुझे मिला तो काफ़ी मुझे हैप्पी फील हुआ क्योंकि इस बार सच में मेरे लिए ये सरप्राइज़ था और जब मैंने गिफ्ट को ओपन किया है तो इसमें से ये एक बहुत ही प्यारा परफ्यूम सेट निकला था और दूसरा जो है वो वन ऑफ माई फेवरेट था और साथ ही मेरे हस्बैंड ने इसमें ईदी भी डाल रखी थी और ये जो रैपिंग वगैरह थी ये मेरे बच्चों ने ही की थी पता नहीं कैसे उनको ये सब कुछ ख्याल आया क्योंकि बहुत बड़े गिफ्ट थे और इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल भी था लेकिन मुझे सिर्फ ईद के दिन ही ये दिखाई दिए हैं और यहाँ पर मैं व्लाग में भी थैंक यू करूँगी अपनी फैमिली का अपने हस्बैंड का अपने बच्चों का क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम एक दूसरे से बांटते हैं तो ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है मैंने अपने ब्लॉग्स में बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि ज़िंदगी गुजारते तो सभी हैं लेकिन ज़िंदगी को जीना चाहिए और जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें हमें हमेशा छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए और अपनी ख़ुशियों में उन छोटी बातों को लेकर कभी नहीं आना चाहिए और हमेशा ये बात याद रखिए कि हमेशा सबसे पहले अपनी फ़ैमिली को तरजीह दीजिए उसके बाद किसी और को क्योंकि लोगों का काम है वो अच्छे पे भी बात करेंगे और बुरे पे भी करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप उनको टाइम दीजिए जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं बल्कि आपका हिस्सा हैं तो मैं हमेशा अपनी फ़ैमिली को पहले लेकर चलती हूँ उसके बाद किसी और का सोचती हूँ और और हमेशा हमें करना भी ऐसे चाहिए क्योंकि खुशियाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके अराउंड रहें आपके घर पर रहें और आपके साथ रहें तो अपने बच्चों के बारे में अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचिए और यहाँ पर ये पाकिस्तान की कुछ यादें मेरे हस्बैंड जब बाहर गए थे तो वहाँ से ये कुछ आ, ले कर आए थे स्वीट्स तो ये मैंने सोचा कि मैं बच्चों को देती हूँ और साथ उनसे थोड़ी सी पाकिस्तान की अपनी बचपन की यादें भी शेयर करूँगी क्योंकि ये हम जब छोटे हुआ करते थे तो ये खाया करते थे और जब ईदी मिलती थी तो हमारा एक पाँव तो घर पर होता था और दूसरा पाँव होता था शॉप पर जो कॉर्नर शॉप्स होती थी और वहाँ से ये चीज़ें हम लेकर खाया करते थे और इस प्यारी सी मेमोरी के साथ आप सबसे अभी लूँगी मैं इजाज़त क्योंकि आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था और यहाँ पर हम टीवी पर जो चल रहा था वो देख रहे थे वो टाइम आप सामने देख सकते हैं शाम हो चुकी है और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ कुछ नई बातों के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी अल्लाह हाफिज़